अब से कुछ देर में बिहार बीजेपी की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर है। सम्राट चौधरी बैठक में होंगे शामिल, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार की सियासी उठापटक पर मंथन, बिहार बीजेपी की बैठक, कुछ देर में बिहार बीजेपी की बैठक होने जा रही है। सम्राट चौधरी बैठक में शामिल होंगे, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इसमें शामिल होंगे। बिहार की सियासी उठापटक पर मंथन होगा। खबर यह आ रही है कि आज बीजेपी की ओर से जेडीयू को समर्थन पत्र सौंप दिया जाएगा। बिहार के बीजेपी के सभी विधायक साइन कर देंगे और इसके बाद जो तकनीकी वजहें हैं जिसकी वजह से अब तक ऐलान नहीं किया गया है वो भी दूर हो जाएगी। और ये बैठक के बाहर की तस्वीरें, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी बैठक में शामिल, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल। और कल जो नया गठबंधन बनने जा रहा है, फिर से पुराना जो गठबंधन अमल में आने जा रहा है उसको लेकर के ये अहम बैठक हो रही है। और बीजेपी नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, नित्यानंद राय अभी अभी आपने देखा मुस्कुराते हुए अंदर घुसे हैं, इससे ये साफ होता है, ये मुस्कान बताती है कि अब गेम पलट चुका है और बस कुछ घंटों का इंतजार, बिहार में बदल जाएगी सरकार। लेकिन बड़ी बात यह है कि साथी बदलने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। कल 10 बजे जेडीयू की बैठक है। खबर है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि बीजेपी आज नीतीश को अपना समर्थन पत्र सौंप देगी। वहीं बिहार को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज है। अमित शाह के घर बड़ी बैठक चल रही है जिसमें चिराग पासवान शामिल हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी शामिल होने की खबर आ रही है। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से जब बीजेपी के साथ लौटेंगे तो पहले से एनडीए में जो मौजूद घटक दल हैं उनको आगे किस तरह से सम्मान दिया जाएगा, ये भी अहम बात है।